हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम टू स्टैंडर्ड एट आज हम निबंध लेखन के बारे में बात करेंगे और एक टॉपिक पर निबंध की चर्चा करेंगे निबंध लेखन को इंग्लिश में हम ऐसे राइटिंग कहते हैं तो सबसे पहले निबंध का अर्थ जान ले निबंध का अर्थ है बंधा हुआ अर्थात एक सूत्र में बंधी हुई रचना निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है साधारण रूप से निबंध के विषय परिचित होते हैं यानी जिनके बारे में हम सुनते देखते एवं पढ़ते रहते हैं जैसे कि धार्मिक त्योहार राष्ट्रीय त्योहार विभिन्न प्रकार की समस्याएं, मौसम इत्यादि अच्छा निबंध लिखने के लिए कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है तो हम देख लें निबंध के विषय पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करें निबंध की रूपरेखा बनाए तथा अपने विचारों को व्यवस्थित रूप दें निबंध की भाषा सरल स्पष्ट एवं प्रभावशाली रखें आरंभ मध्य अथवा अंत में किसी उक्ति अथवा विषय के संबंधित कविता की पंक्तियों का उल्लेख करें सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हों विद्यार्थी मित्रों आज का हमारा निबंध का टॉपिक है अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी स्टूडेंट्स हम सब महात्मा गांधी जी को जानते ही है अंग्रेजों से हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए और हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उनका बड़ा योगदान रहा है विद्यार्थी मित्रों पहले हम निबंध की रूपरेखा को जान ले भारत भूमि महापुरुषों की जन्मस्थली जन्म एवं परिवार की जानकारी शिक्षा एवं जीविका की जानकारी स्वतंत्रता संग्राम में योगदान संपूर्ण जीवन मानवता की भलाई के लिए समर्पित दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल विद्यार्थी मित्रों कवि प्रदीप जी द्वारा लिखी गई इन पंक्तियों से हमारे निबंध की शुरुआत होती है भारतवर्ष में समय-समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया तथा समाज एवं मनुष्य जाति के कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया आधुनिक युग में ऐसे ही महापुरुष ने जन्म लिया जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी इस महापुरुष का नाम भारत के इतिहास में सदा अमर रहेगा उन्होंने इसे सिद्ध कर दिया है कि अहिंसा और सत्य के बल पर बड़े से बड़ी लड़ाई भी जीती जा सकती है महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर अठारह तर को गुजरात के पोरबंदर नामक नगर में हुआ था उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट में दीवान थे माता का नाम पुतली बाई था माता बहुत धर्मनिष्ठ थी तथा पूजा पाठ में विश्वास करती थी यही धर्मनिष्ठा इन्हें विरासत में मिली बचपन में देखे गए श्रवण कुमार एवं राजा हरिश्चंद्र के नाटक से प्रभावित होकर इनके मन में सत्यवादिता एवं मातृभक्ति सदा के लिए बस गई महात्मा गांधी की आरंभिक शिक्षा राजकोट में हुई मैट्रिक पास करने के बाद तेरह वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरबा से हो गया बेरिस्तरी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए सत्रह वर्ष की आयु में इंग्लैंड चले गए और बैरिस्टर बनकर भारत लौटे कुछ समय के बाद उन्होंने मुंबई में वकालत शुरू कर दी किसी संस्था के मुकदमे के सिलसिले में उन्हें अफ्रीका जाना पड़ा वहां भारतीयों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार और अत्याचार को देखकर ये बहुत दुखी हुए उन्होंने वही अन्याय एवं अत्याचार के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया और सफलता प्राप्त की गांधी जी जब अफ्रीका से लौटे तो उन्हें बहुत सम्मान मिला परंतु भारत की जनता का भी वही हाल था जो अफ्रीका की जनता का था इन्होंने यहाँ भी अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा व सत्याग्रह का सहारा लेते हुए असहयोग आंदोलन छेड़ दिया इससे अंग्रेजी सरकार को चेतावनी मिली और भारत की जनता को राष्ट्रीय चेतना लाखों भारतवासी आंदोलन में शामिल हो गए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं अछूतों का उधार व हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ कर दिया जिससे अंग्रेजों को यह पता चल गया कि उनकी सत्ता समाप्त होने वाली है 15 अगस्त उन्नीस को भारत आजाद हो गया परंतु अंग्रेजों ने जाते जाते भी हिंदू मुस्लिमों में दंगा करवा दिया और देश का बंटवारा कर दिया गांधी जी ने देश भर में घूम घूम कर हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने का प्रयास किया ये सभी धर्मों के सामने धर्मों को समान मानते थे उनका प्रिय भजन था वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पर जाने रे पर दुखे उपकार करे जे मन अभिमान आने रे गांधी जी ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता सत्य अहिंसा जैसे मूल्यों को समर्पित कर दिया था 30 जनवरी 1948 को जब ये प्रार्थना सभा में जा रहे थे तब नथुर गोडसे ने गोली मारकर उनकी इला समाप्त कर दी अहिंसा के पुजारी स्वयं हिंसा के शिकार हो गए इससे इनकी जीवन लीला भले ही समाप्त हो गई परंतु इनके द्वारा दिए गए संदेश और आदर्श आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे तो विद्यार्थी मित्रों ऐसा था हमारा महात्मा गांधी जी पर लिखा गया ये निबंध आप इस निबंध में अपने भी विचार जोड़ सकते हो अपने विचार से भी इस निबंध को आप लिख सकते हो और इस निबंध को आप नया ओप दे सकते हो आशा रखती हूँ कि निबंध में आपको मज़ा आया होगा और आगे भी ऐसे निबंध की हम चर्चा करते रहेंगे तब तक के लिए बाय थैंक यू वेरी मच